बीएच क्या है, व्हाट इज बीएच। तो सभी लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। कुछ लोग एजुकेशन को एजुकेशन भी बोलते हैं, तो आप वो भी बोल सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप बैचलर डिग्री, ये एक टाइप की डिग्री है, व्हाट इज बीएड, बीएड इज अ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। इसे हम प्रोफेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक टीचिंग, एक करियर के लिए हमें प्रमोट करता है, एक प्रोफेशन की तरफ हमें ले जाता है। सो दिस इज अ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। तो आखिर हम बीएड क्यों करें, बीएड के बाद हमारा क्या करियर है। तो अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना पड़ेगा। वैसे आप दो चीजें कर सकते हैं, आफ्टर 12th या तो आप बीएड कर सकते हैं या फिर आप बीएड भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि बीएड के जो कोर्सेज हैं वो कितने कितने इयर्स के होते हैं और कौन से टाइप्स हो सकते हैं कोर्सेज के। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि बीएड करने के बाद आप जो है वो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो बीएड आप जरूर करें अगर आप टीचिंग में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। इससे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में, केवीएस में, एनबीएस में, आर्मी स्कूल्स, हर जगह पे आपको बीएड का फायदा मिलता है, आप टीचिंग कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम, अब बीएड करने के लिए आप क्या करें, बीएड जो है आप बहुत सारे कॉलेजेस से कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हो सकते हैं हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो, और कुछ हो सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करें जिनकी फीस बहुत कम होती है, अभी मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊंगी यहाँ पर, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा अंतर होता है एक गवर्नमेंट कॉलेज से करना और एक प्राइवेट स्कूल से करना, प्राइवेट कॉलेज से करना। तो मैं प्रीफर करूंगी कि आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दें। वैसे आजकल तो प्राइवेट में भी जो हमारे एडमिशन मिलते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही मिलते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आजकल एक कॉमन एग्जाम होता है जिसका नाम होता है सीईई, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड। तो बीएड के लिए आप सीईई की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे जो आपकी मेरिट बनती है उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस ऑफर करने पड़ते हैं, आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस तब मिल पाते हैं जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं हमारे, तो आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें एंट्रेंस एग्जाम की। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स आप खरीद सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होता है। लेकिन इसमें हम सिर्फ बीएड का ये देखेंगे कि बीएड के बारे में हम जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें बताओ कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और ये अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको क्लियर होगा कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपको देना पड़ेगा। अब जैसे कि स्टेट वाइज ये तो कॉमन एग्जाम है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे सीटेट में भी आप देखेंगे कि हर एक स्टेट अपना आजकल टेट का एग्जाम अलग से करवाने लगा, वैसे बीएड में भी हर स्टेट अलग से अपना एग्जाम कराता है बीएड के एंट्रेंसेस के लिए। तो उसकी और कुछ स्टेट में अभी भी मैरिट या डोनेशन से भी हमारा एडमिशन मिलता है। तो ये चीजें हैं। अब दो चीजें, रेगुलर और ओपन, आप जो बीएड है वो रेगुलर भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। आप जानते हैं ओपन क्या होता है, व्हाट आर ओपन यूनिवर्सिटीज, जैसे हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा। तो इसका मतलब होता है घर बैठकर आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ एग्जाम लेने जाना पड़ता है या कभी कभी आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए बुलाया जाता है और बहुत ही कम इसमें जाना पड़ता है, आप जॉब के साथ भी ओपन में कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करूंगी कि आप रेगुलर करें, अगर आप किसी जॉब में नहीं है तो आप रेगुलर ही करें, क्योंकि रेगुलर में क्या फायदा मिलता है, जब आपकी मेरिट बनती है तो अगर आप एक ही मार्क पे होल्ड किए हुए तो बेनिफिट किसको मिलेगा, रेगुलर वाले को। आप दोनों में से रेगुलर वाले को चूज किया जाएगा। अब वैकेंसीज, कब वैकेंसीज निकलती है, तो ज्यादातर जब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी वैकेंसीज हमारी जो है वो फरवरी मार्च के महीने में निकलती है, और एग्जाम होता है
दो तीन महीने बाद यानी अप्रैल से जुलाई के बीच में हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं, उसके बाद में फिर हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, तो आपके जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। आजकल हर एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एज लिमिट, एज लिमिट की बात करें तो नो अपर एज लिमिट इज देयर, मतलब इसमें कोई भी ऊपर की एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हो आप दे सकते हो, आप टीचर बन सकते हैं, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप 40 साल के भी हैं या और ज्यादा साल के भी हैं तो आप आराम से पीएड का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोअर एज लिमिट की बात करें तो इसमें कहीं कहीं पे मांग लेते हैं वो लोग, जैसे 19 ईयर्स कहीं कहीं पे लिख देते हैं वो लोग कि मिनिमम 19 ईयर्स का होना चाहिए। तो वैसे भी अगर आप 12 से ऊपर के हैं तो आप 19 ईयर्स की हो ही जाए, तो ये एज लिमिट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे देखने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मतलब आप कब एलिजिबल होंगे कि आप बीएड कर पाए। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो हर जगह आपको दिखती है वो है ग्रेजुएशन। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन मैम किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, तो इसमें आप कोई से भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन है, यानी कि ह्यूमैनिटीज भी हो सकती है, कॉमर्स भी हो सकता है, आपके पास साइंस सेक्शन भी हो सकता है, इन तीनों के अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग, टेक्निकल डिग्री, कोई भी डिग्री आपके पास है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन कितने परसेंट से, तो प्लस 50, कहीं पे आपसे 50% बोलता है और कुछ कुछ जगह 55% भी लिखा रहता है, तो आप कोशिश करें कि आपके 55% तो एटलीस्ट हो, क्योंकि कहीं कहीं पे 50% ही मांगते हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे आजकल एमपी में शायद 55% मांगने लगे। नाउ टाइप्स ऑफ कोर्सेस, अब तीन टाइप के हमारे बीएड होते हैं। एक तो हमारा होता है 12th के बेसिस पे, तो अगर आप 12th के बाद बीएड का कोर्स करते हैं तो आपको एक टाइप का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 ईयर का, ये 4 ईयर का कोर्स होता है आपका बीएड का। और एक होता है हमारा जो हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो हम करते हैं उसमें आपको सिर्फ 2 ईयर्स का होता है। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपको सिर्फ 2 ईयर्स का कोर्स करना पड़ता है, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपने पीजी की हुई है तो आपको सिर्फ 1 ईयर का कोर्स करना पड़ता है, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये आया है और अभी ये लागू भी हो जाएगा 2022 से। मोस्ट प्रोबेबली इसका पूरा हमारा सीन क्लियर हो जाएगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि इसका जो 12th का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th में हमारे 60% एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन में 50-55% हमारा होना चाहिए। और अभी इसका जो है वो हमारा क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फीस बहुत कम होती है। आपका जो खर्चा आता है सालाना वो 10,000 से 15,000 के बीच में आप कर लेते हैं, तो ये हमारा 1 ईयर का है 10 to 15,000, इसको आप 10 नहीं लिखेंगे 10,000 लिखेंगे, या तो पूरा फॉर 10 to 15,000 पर ईयर। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है आपका, कम से कम 50,000 से लेकर 1,00,000 का खर्चा आता है आपका एक साल का। तो अब आप समझ रहे होंगे 50,000 to 1,00,000, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से करते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से सीईई की तैयारी करें और गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही अपना बीएड का कोर्स करें। तो ये मैंने आपके लिए बीएड का पूरा वीडियो बना दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस और उसकी तैयारी के
देख सकते हैं।